जंगल, उस जंगल में एक सेब भोजन करके आराम कर रहा था। ठीक है, एक जंगल था, उस जंगल में एक सेब था, है ना। वो सेब भोजन करके आराम कर रहा था, मतलब खाना खा रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। एक मक्खी आती है, वहां उड़ती उड़ती आ पहुंचती है। सेब ने दो तीन दिनों से स्नान नहीं किया था, स्नान किसके होते हैं नहाना, उसने सेब ने नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी सेब के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। ठीक है, एक मक्खी आती है, उसने कान के पास क्या करती है, भिन भिन की आवाज करने लगती है। सेब को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। ठीक है, उसको बहुत मुश्किल से नींद आया था, जैसे वो पंजा उठाता है तो मक्खी फिर से उड़ जाती है। लेकिन फिर शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब सेब को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अपनी जान से मार डालूंगा, तुम अगर मेरे पास आओगी मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसे करके शेर उसको धमकी देता है। ठीक है, मक्खी ने धीरे धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। ठीक है, तुम इतने बड़े जंगल के राजा हो और तुम ऐसी बात बोलते हो करके उसको उसको बोलती है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। सेब को गुस्सा बढ़ गया। ठीक है, उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हूँ। ठीक है, मैं आराम कर रही हूँ, यहाँ पर सो रहा हूँ और ऊपर से तुम क्या कर रही हो, यहाँ पर जवाब दे रही हो, चुप हो जा वरना अभी। ठीक है, मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी डर सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। उसको मक्खी जब धमकी देता है तो मक्खी उसको क्या टिकाई देती है, बोलती है कि मैं तुमसे भी डर सकती हूँ, हिम्मत है तो आ जाओ। ठीक है, से आग बबूला उठा, आग बबूला मतलब बहुत ज्यादा क्रोधित होना, उसने कान के पास पंजा मारा, मक्खी तो उड़ गई, फिर कान जरा छिल गया। जैसे वो मक्खी को मारने के कान के पास उठ के बैठती है, तो जैसे वो मारने के लिए करता है तो क्या हो जाती है, वो मक्खी उड़ जाती है। मक्खी उड़कर से नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी उड़ गई, अब की बार से नाक छिल गई। फिर उसके बाद पहले कान के पास बैठता है, उसके नाक पर बैठता है, जैसे वो नाक पर मार बैठती है फिर जैसे उस पंजा मारता है फिर उसकी नाक छिल जाती है। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर बैठती, तो कभी गर्दन पर। ठीक है, पहले कान पर बैठती, फिर नाक पर, फिर माथे पर, फिर गर्दन पर, फिर गाल पर बैठती है। इस प्रकार शेर अपने आप को क्या करते जाता है, जख्मी करते जाता है, पूरा उसके नाखून से पूरे निशान करते जाते हैं, उसके शरीर में वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। शेर पंजा मारता जाता है और खुद को घायल करता जाता है। मक्खी तो फट से उड़ जाती, अंत में सेब उड़ गया और थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तू जीती। बस मक्खी घमंड से झूठ होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। ठीक है, बोलता है शेर कि मैं हार गया, क्योंकि वो घायल हो जाता, बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता, बोलता है कि मैं तो हार गया, अब तुम क्या हो गई, जीत गई। ठीक है, मुझे मेरा पीछा छोड़ो और मुझे जाने दो, ऐसे कहते तो से मक्खी को बहुत ज्यादा अपने आप पर घमंड आ जाता है। सामने एक हाथी मिला, मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर। ठीक है, दो साइड जैसे वो आगे बढ़ती है तो उसको कौन मिलता है, हाथी रास्ते में एक हाथी मिलता है, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। ठीक है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करेगा। ठीक है, इतना बड़ा विशाल का जो हाथी रहता है वह जाते रहता है अपने रास्ते, तो मक्खी उसको बोलती है कि तुम मुझको प्रणाम करो, मैंने शेर जंगल के शेर के राजा को क्या किया है, हरा दिया है, ऐसे करके वो बोलती है। तो मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, ऐसे करके वो हाथी आगे बढ़ जाती है। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह शब्द देखा, लोमड़ी मन मन मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, ओ ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और मिशाल का हाथी को भी हरा दिया। ठीक है, आगे में जैसे वो जाती है तो कौन मिलता है, रास्ते में एक लोमड़ी मिलती है।
लेकिन मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है, ना वह आपको गाली दे रही है थी, पर उसकी जरा खबर लो। ठीक है, वो मकड़ी क्या भी बोल देता है कि मतलब ये जो मकड़ी रहती है ये क्या कर रही है, गाली दे रही थी, तुम उसकी क्या कर लो, खबर ले लो, तुम उससे बदला ले लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। ठीक है, मक्खी बोली उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मकड़ी की तरफ गई। ठीक है, ये जो मक्खी रहती है वो मकड़ी के पास जाती है, और जैसे ही जाती है उस क्या हो जाती है, उस जाल में वो फंस जाती है, फंस गई। मक्खी जाले में छुपने की जो जो कोशिश करती गई, क्यों क्यों और अधिक फंसती गई। जैसे वो उसके पास जाने की कोशिश करती उस क्या हो जाता, उस जाले में वो क्या हो जाती, फंसते जाती। अंत में वह थक गई, हार गई, यह देखकर लोमड़ी मन मन मुस्कुराती हुई